हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देखेंगे कि आज किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, क्या रीजन रहते हैं, साथ में डॉलर इंडेक्स और सिल्वर का जो कॉमेक्स है अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होता है उसके लिए हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द थिंग है कि हम ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं उसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ हमें लॉजिक बनाना चाहिए, कुछ हमें सेटअप बनाना चाहिए, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। अगर उस बेस से अगर आप देखते हैं तो जैसे आज संविधान लागू हुआ था तो उसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे किस तरह से वर्क करना है, तो उसी को अगर हम मानते हुए चलते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, तो सिमिलर तरीके से आपको सेल्फ ट्रेडिंग करने के लिए सेल्फ आपका खुद का कानून होता है, खुद को आपको सेटअप बनाना पड़ता है, जो भी आपको बेस्ट लगे उस पर वर्क करना पड़ता है। तो हम उसके विषय में देखेंगे क्या है। लेकिन सबसे पहले आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से यहाँ मुझसे आप जुड़ सकते हैं, इसमें अपने व्यूज को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने से पहले जो थ्री रूल्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। जो फर्स्ट रूल यहाँ पर आता है अगर उसकी हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, कहाँ आपको ट्रेड करना है, किस जगह पे करना है, ट्रेडिंग प्लान क्या है आपका, क्या माइंडसेट है, उसको आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। सेकंड, आपको जो आपको सबसे सिंपल लगे और इफेक्टिव लगे वो टूल आपको फाइंड आउट करना है जो स्ट्रेटजी आपकी वर्क करती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं तो वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो पाती, इस वजह से मैं बहुत सिंपल तरीके से वर्क करता हूँ, शेयर करता हूँ बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज और बहुत सिंपल तरीके से हर किसी को समझ में आ जाए, ऐसी कंडीशन हमारी रहती है। तो सेकंड हमारा ये रहता है कि आपको जितने आसानी से देखेंगे उतना इजी वे से हमें दिखाई पड़ेगा। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना जो प्लान आपने बनाया है उसको आपको फॉलो करना है। सक्सेसफुल प्लान टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी, तो आपको कभी भी रन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो भी आपने प्लान बनाया उसके बाद में सबसे सिंपल रूल आपने अप्लाई किया उसको आपको वर्क करने के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तभी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और सिंपल इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है अगर आप फील्ड पे बने हुए हैं तभी आप वहाँ पे एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। स्टे ऑन द पिच ऑफ मार्केट टू मेक ह्यूज मनी इन आफ्टर सम टाइम, 2 to 3 or 4 years, आप चाहें कि अभी आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। 3, 4 साल, 5 साल आप टाइम देंगे तो आपको सिंपल तरीके से बनने लगेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, पैटर्न्स क्या है, इसके विषय में आपको आना चाहिए, उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम आज जो हमारा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको क्लियर एक इंडिकेशन होता है, जैसे कहीं भी मार्केट जब मूव करता है तो अगर उस कंडीशन को आप देखते हैं तो एक मैं सिंपल सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये लाइन हम एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे कभी भी मार्केट ऊपर से आ रहा है इस तरह करके, यहाँ पे इस तरह करके कुछ मार्केट आ रहा है, बार बार यहीं पे आके हिट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट में यहाँ जो बायर्स बैठे हैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, इसको हम बायर्स का जोन या फिर सपोर्ट जोन या फिर हम इसको डिमांड जोन, तीनों बोलते हैं। तीनों कंडीशन में ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, जब ये यहाँ पर ब्रेक होता है, ब्रेक होने पे कहीं ना कहीं ये जो बायर्स हैं डिमांड जोन है वीक हो चुकी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ हिट हो चुका है। किसी को यहाँ पे मान लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल, 100 रुपये पे ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, किसी ने 100.1 पे लगा रखा, किसी 100.2 पे लगा रखा, तो उसका यहाँ पे ऑर्डर पिक होते हुए चले जाएंगे, फिर नीचे आएगा तो 100 वाले को पिक होगा, फिर नीचे आएगा 99.9 का पिक होगा, इस तरह से लोग ऑर्डर लगाते। फिर जब इसमें सारे ऑर्डर्स पिक हो जाते हैं फिर सेलर्स यहाँ हावी हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ा, लगातार एक ही जगह पर हिट कर रहा है। जब इसको ब्रेक करेंगे नीचे के लिए तो दोबारा से जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, एज ए सप्लाई जोन का काम करेगा। इस जोन पे मार्केट जब भी जाएगा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इजी वे से क्रॉस नहीं करेगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी होती है। इसमें हम प्लस माइनस अगर आप देखते हैं तो जितना बड़ा अमाउंट साइज रहता है उतना हमें लेके चलना। जैसे हम 60,000, 70,000 का
सिल्वर को ट्रेड करते हैं तो आपको 200 से 300 पॉइंट का एक जोन लेके चलना होता है, उतना आपको स्टॉप लॉस लेके बनाना पड़ता है। अगर ये आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, वहाँ से 30 से 40 पॉइंट का एक रेंज होता है, उसको आपको देखना होता है। अगर आप यहीं स्टॉक्स पे देखते हैं तो वहाँ पे स्टॉक का जो भी रहता है 1 से 2% आप स्टॉक की वैल्यू का रेंज देख सकते हैं, ये कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ती है। अब ये अगर आपको समझ में आया होगा तो अभी आज की जो स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ वो भी आपको समझ में आने वाली है। अब फ्रेंड्स हम सिंपल मार्किंग करते हैं। करंट मार्केट प्राइस है डॉलर इंडेक्स का 100.6 है, आज इसकी ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट ये ओपन है, यहाँ पे लोग अप एंड डाउन आपको डिफरेंट टाइप का सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस को अगर हम मार्क कर लेते हैं तो ये एज ए हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस या CMP आपको जो बेटर लगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डॉटेड लाइन से, कलर इसका हम कर देंगे थोड़ा सा चेंज। तो ये हमारी हो गई एक डॉटेड लाइन करंट मार्केट प्राइस। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से कभी भी नीचे आने पे वो एज ए सपोर्ट काम करता है, मैंने जो आपके साथ शेयर किया। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर निकलते हैं तो हमारे लिए ये जोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मैंने आपके साथ शेयर किया प्लस माइनस आपको लेके चलना होता है, तो हम इसको थोड़ा सेफर साइड के लिए अगर आप यहाँ एक मार्किंग करते हैं, इसका कलर मैं करता हूँ चेंज और लाइन स्टाइल भी इसकी हो जाती है चेंज, कलर ऊपर की तरफ रेड रहेगा। यहाँ से लेके ऊपर नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक एक जोन का फॉर्मेशन हुआ जो मैं आपके साथ जोन को शेयर करता रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ऊपर चलते हैं तो 100.5 में एक, इसके बाद ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके बाद फर्दर ऊपर चलते हैं, तो ये जिसने जो मल्टीपल टाइम बना रखा है ये एक जोन है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटी कैंडल बनी थी, डिमांड जोन बना हुआ था। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको इसने पिक किया, जितनी पावर थी ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस जोन ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ था, इसके कारण इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फर्दर जब इसके नीचे ब्रेक करता है तो ज़बरदस्त जो यहाँ से वायर्स बने हुए थे उससे भी नीचे आके यहाँ पे क्लोज किया, फिर यहाँ से इसको पुल बैक मिला क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, इसी ने ये रैली इतनी ऊपर तक पिक किया था, तो थोड़ा इसमें पुल बैक आया, उसके बाद में नीचे आने लगा। रेजिस्टेंस जो सपोर्ट हुआ करता था वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब फर्दर धीरे धीरे करके मार्केट एक जोन बनाता हुआ, यहाँ भी अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ तो ये भी एक जोन का काम कर रहा है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देता हूँ, इसको हम बैक साइड में जाके देखेंगे कहाँ पे भी वर्क करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एज ए सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो 100 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। अभी हम इसको बैक साइड में टेस्ट करते हैं क्या कंडीशन है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है इस वजह हम छोटे में लेके चलते हैं। अब यहाँ आपने देखा जो हमने मार्किंग कर रखी, कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है, ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है, ये जोन का काम करता है। फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं 1% 2% से ज़्यादा का है तो उसमें जोन को ना लेके हम इसको पॉइंट को लेते हैं, लेकिन अब विद इन 1% 2% में तो जोन का काम करता है। अगर मैं इसको जस्ट सिंपल तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ जो हमने बैक स्टडी कर रखा है किसी भी टाइम में, वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे किया है, उस तरह से आपकी मार्किंग होगी। अब इसको हम सीधा चलते हैं इधर, आप देख रहे हैं मैंने ये लाइन वहाँ पे ड्रा किया है, सिंपल यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया है। नेक्स्ट अगर नीचे आता तो 99 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ता, तो ये कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बैक साइड में जहाँ भी जाते हैं सारे वर्क करते, अगर आपने इस लोअर को पकड़ रखा होगा तो यहाँ भी आपको एक पुल बैक यहाँ देखने को मिला होगा। तो ये सारी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, आपको रूल बनाना होगा तब आप यहाँ पे जाके एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, ट्रेडिंग सेटअप के साथ वर्क कर सकते हैं। हम नेक्स्ट, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जा रही है तो इसके लिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे हम टारगेट की बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, तो इसलिए 104.1074.179 के आसपास से लेके 104.75 ये एज ए सप्लाई जोन का काम करेगा, इतने आसानी से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन केस कहीं पे इसको नेगेटिव सेंटीमेंट्स मिल जाता है तो यहाँ पे आपको दोबारा से 102 के आसपास देखने को मिल सकता है। सिमिलर तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा मैंने आपके साथ कमेंट किया हुआ है कि कॉमेक्स को देख लेते हैं। कॉमेक्स को अगर देखते हैं तो इसका मैं सबसे पहले जो ड्रा कर रखा है सारी कंडीशन को मैं करता हूँ क्लोज,
ये भी मैं डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो करंट आज मार्केट ओपन है, यहाँ पे इंडियन मार्केट क्लोज है लेकिन अमेरिकन मार्केट स्टिल ओपन है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं नीचे एक लाइन ड्रा करता हूँ जो यहाँ पे एज ए सपोर्ट का वर्क कर रही थी। उसके बाद फर्दर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हमारे लिए ये एज ए सपोर्ट की, नेक्स्ट अगर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। मैं जनरल टर्म्स में मार्क करता हुआ चल रहा हूँ। ये जब भी आप मार्क करें इसकी मार्किंग करके छोड़ देना होता है, आपको कभी ना कभी ये टारगेट ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आज का है तो आज ही आपको टारगेट मिल जाएगा। आप स्टॉक में स्टडी करिए, उसे मार्क करके रखिए, आपको टारगेट ज़रूर मिलेगा। आप बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप जो बैंक के टॉप परफॉर्मिंग हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, HDFC, ICICI, एक्सिस और SBI, उसको आप देखेंगे, उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने जनरल मार्किंग कर लिया है, अब मैं चलता हूँ पीछे। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक एज ए सपोर्ट जोन का काम किया है। ये देख रहे हैं नीचे वाली लाइन कभी सपोर्ट का जोन का काम कर रही थी। इनके अगर अगर ये नीचे ब्रेक होता तो ये 21 भी इसको सपोर्ट के लिए काम करता। ये फ्रेंड्स किसी को क्लियर नहीं होता कितना ब्रेक करेगा, जस्ट हमें यहाँ पे सिंपल रहता है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है और अपने स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। मार्केट क्या रिवार्ड देता है वो मार्केट के ऊपर छोड़ देना होता है। अब ये कंडीशन आप कहीं भी देख सकते हैं, इसको अगर देखेंगे एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस है अभी, जो कभी सपोर्ट हुआ करता था, ये एज ए रेजिस्टेंस है क्योंकि मल्टीपल टाइम टच हुआ है। ऊपर मैंने मार्किंग किया है, यहाँ मुझे नहीं पता था क्या है, यहाँ भी आप देख रहे हैं एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी एक एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, अभी जो ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस का काम किया। अब इस लाइन्स के आसपास मैक्सिमम कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ेगी, इसका मतलब ये रहता है लाइन्स ड्रा करने का कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स हैं। कभी भी मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं, जनरली तीन बोलते हैं लेकिन उन्हें हम दो ही लेके चलते हैं, एक बायर होता है सेलर होता है, दो लोग हैं तब वही वहाँ पे एज ए मार्केट हो पाएगा। क्योंकि बिना एक ही प्लेयर बैठा हुआ तो वहाँ पे एक साइडवेज चलता रहता है, कोई ना कोई बाई कर रहा है ना कोई सेल कर रहा है, तो उसको एज ए मार्केट ट्रीट नहीं करते। जनरल टर्म्स में मार्केट वही है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों। अब यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये सप्लाई जोन था। फिर जब इसने इसको ब्रेक किया तो यही रेजिस्टेंस अब इसके लिए डिमांड जोन का काम करने लगा, सपोर्ट का काम करने लगा, ये ऊपर लेके निकल गया। अब नेक्स्ट ऊपर जा रहे हैं, ये लगातार जब इसको ब्रेक किया तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम किया, लेकिन जब दोबारा से इसको हिट करता रहा मल्टीपल टाइम, आप देखेंगे पूरा दिसंबर 2022 से लेके 2023 जनवरी तक इसी लेवल में ट्रेड किया है, उसके बाद में ब्रेक किया डाउन साइड के लिए। जितना बड़ा रेंज रहेगा उतना टारगेट रहता है। अगर टारगेट के लिए आपको एक सिंपल टर्म में बताएं तो ये जितना रेंज फॉर्मेशन होता है उतना टारगेट 1:1 प्रोजेक्शन 99% होता है। और आप देखेंगे कुछ टाइम में तो आपको 50-60% टाइम में मोर देन 1:1 देता है। अगर 100 पॉइंट का रेंज बना रखा है तो आई होप आपको लगभग 100-300 पॉइंट का रेंज मिलती है, टारगेट मिलता है। तो ये कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, सिंपल गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के दिस भी आपको सिंपल रूल फॉलो करने हैं, अपना ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाना है, आपका प्लान क्या है, माइंडसेट क्या है, क्या आप विजन है आपका, क्या मिशन है, किस तरह से वर्क करना चाह रहे हो, सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है जो इफेक्टिव हो, आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए वर्क करती हो और आपको एक फेयर फ्री होगी अपने सेटअप को फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, जब आपको आपके प्लान पे बिलीव आ जाए तो आपको उसको प्लस भी कर सकते हैं। साथ में आपको तीन कंडीशन फॉलो करनी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स कैसे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रेंड क्या बन रहा है, और मोमेंटम के लिए जो हम लगाते हैं अपना EMA 11, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ में और अच्छा आप देख रहे हैं तो RSI को भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं RSI को थोड़ा कम यूज़ करता हूँ लेकिन वो कंडीशन है, आप देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे फैक्टर्स वर्क करिए, फिर अपना एक बेस्ट टाइम फ्रेम बनाइए। 1-2 साल लगेंगे आपको ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में वर्क करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।